हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, आज मैं लेके आया हूँ आ गया हूँ आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस प्री एग्जाम 2019 के लिए समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट, वो भी घटना चक्र के टो सीरीज से। जी हाँ दोस्तों, बहुत डिमांड आ रही थी बच्चों की घटना चक्र के टो सीरीज से। सर प्रैक्टिस सेट लेके आइए। तो आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम है, ये जो भर्ती है, वो जनवरी माह की, आपको काफ़ी सफिशेंट टाइम मिल गया सर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। 6 से 7 महीना बहुत काफ़ी होता है और आपका कंप्लीट भी हो गया होगा दोस्तों। तो आप जितने भी 27-28 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम, आपका पता है आपको एग्ज़ाम 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आयोजित होने वाला है, तो जो भी समय बचा है प्रैक्टिस सेट करने में लगाइए दोस्तों, हमारे साथ जुड़ जाइए। आज से हम डेली टो सीरीज से सारे प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। आज तो समान हिंदी का ही होगा सिर्फ 8 बजे रात को। कल से आपको 8 बजे रात हिंदी मिलेगा और दूसरा 9 बजे आपको समान ज्ञान और समान विज्ञान का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये पहला प्रैक्टिस सेट है, अगर आपको पसंद आता है आगे कंटिन्यूसली चाहते हैं तो इसको 200 लाइक का एम रखते हैं। इस लाइक को जरूर पूरा कीजिएगा तो 200 लाइक हो जाएंगे, तो मैं कल इसको कंटिन्यू करूंगा और सारे सब्जेक्ट को समान विज्ञान समान ज्ञान सारे सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिस करवाऊंगा 1 बाय 1 करके, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। और पीडीएफ फाइल भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि लोअर पीसी एग्जाम में अंतिम दिन बचे हुए हैं दोस्तों, जो भी बचे हुए उसमें आप केवल सटीक चीजें पढ़िए। एल्बो एप्लीकेशन की तरफ से बहुत ही अच्छा अंतिम दिनों में तैयारी करने के लिए नोट्स तैयार किया, जिसकी कीमत मात्र 35 रुपये है। जी हाँ, सिर्फ 35 रुपये, 35 रुपीज़ ओनली। और ये नोट्स हैं अंतिम दिनों में तैयारी करने के लिए। इसमें खास बात ये है कि 4000 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड डाले गए हैं, जो संभावित 2019 के प्री एग्जाम में पूछे जाने वाले। ये 4000 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी द्वारा अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए एग्जाम्स के लेकर एनालाइज किया गया। प्रीवियस लोअर पीसेस का एक पेपर एनालाइज किया गया है, बेस्ट टीचर बेस्ट कोचिंग द्वारा तैयार किया गया। इन 4000 क्वेश्चन को अंतिम दिनों में जरूर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा। और इतना ही नहीं, मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन के साथ साथ शॉर्टिंग मिल रहा है और सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। खास बात और है कि यहाँ पर आपको 20 फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है लोअर पीसेस का, और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही यानी माध्यम में क्वेश्चन सारे डाले गए, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले छात्र आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। लिंक इसका बुक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जल्दी से वहां से परचेज कीजिए इस बुक को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर प्रैक्टिस सेट में आप सभी को पता है कि 25 प्रश्न आपके हिंदी पूछे जाएंगे, तो यहां पर 25 प्रश्न का सेट लगा हुआ था, लेकिन यहां पर 2 प्रश्न मैंने स्किप कर दिए हैं, 51-52, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 153 तक आपका गद्यांश से आधारित प्रश्न थे, तो यहाँ पर 154 से स्टार्ट करेंगे। गद्यांश पढ़ना पड़ता तो उसमें टाइम थोड़ा लग जाता। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 154 नंबर प्रश्न का। आप लोग सभी लोग उत्तर भी करते जाइएगा और हमें बताइए कि कितने क्वेश्चन सही गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 154 का सही उत्तर देंगे सभी लोग, ठीक है। सिर्फ 5 सेकंड आपको मिलेगा ताकि वीडियो लंबी ना बने। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 154 का जो सही उत्तर है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। जी हां, पताका का जो पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची नहीं है पूछा। जी हां बिल्कुल, स्टेटमेंट पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है तो प्रास्तर, ठीक है। बाकी निशान, ध्वज, झंडा, ये सभी पताका का पर्यायवाची होता है, यहां पूछा जाता नहीं होता है कौन सा। अगला प्रश्न आपके सामने 155 नंबर, दुहिता किस शब्द का पर्यायवाची है, यहां पर है पूछा जा रहा है, जल्दी से उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 155, जी हाँ 155 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, पुत्री। दोहिता किस शब्द का पर्यायवाची है, तो पुत्री का। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 156 है, देखिए दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है क्वेश्चन नंबर 156 का, सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और सभी लोग अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर कमेंट कीजिएगा लास्ट में, ठीक है, कि कितने आपके सही गए टोटल में से। 156 का राइट आंसर दें, 156 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पर, ठीक है, एक, ठीक है, दुर्व्यवहार, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 157 है, देखिए अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर, और यहाँ पर उपसर्ग अगर बात कीजिए कौन सा उपसर्ग, बहुत सारे डाउट होगा, तो यहाँ पर दुर जो लगा है, दू जो लगा है, दुर ये उपसर्ग है आपका, व्यवहार अपने आप में एक अर्थपूर्ण शब्द है, ठीक है, तो यहाँ पर दुर आपका उपसर्ग है और एक ही उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा ये 157 का आंसर सभी लोग करेंगे, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। 157 का जो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, जिसे जाना ना जा सके, ठीक है, अज्ञेय है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 158, देखिए पाप मुक्त शब्द उदाहरण है, किसका उदाहरण है, आप जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर, जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 158 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है पाप मुक्त, ठीक है, पाप मुक्त। पाप मुक्त कैसे, इसका अगर वर्ण इसका वो करेंगे, विभक्ति करेंगे तो पाप से मुक्त, ठीक है, पाप से मुक्त या पाप से मुक्ति, तो आपका यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 159 है, निम्नलिखित में से किस वाक में
आक्रामक क्रिया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 159 का राइट आंसर सभी लोग देंगे और सभी लोग कमेंट करेंगे। आलस बिल्कुल मत किया कीजिए, कमेंट कीजिएगा आंसर, तो आपको भी याद होता रहेगा और मुझे भी पता चलेगा कितने लोगों ने सही उत्तर दिया। तो सभी लोग आंसर कमेंट में बॉक्स में कमेंट करते जाइए क्वेश्चन नंबर डालते हुए, ठीक है। 159 का जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, पानी बरस रहा है, ठीक है, पानी बरस रहा है बिल्कुल सही उत्तर, ये आक्रामक क्रिया है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि डेली कल से मैं शेड्यूल बना के आपको समान विज्ञान, समान ज्ञान और समान हिंदी तीनों प्रैक्टिस शाम को आपको मिलने वाली है। तो आप कल हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 160, देखिए, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक में कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? 160 का सही उत्तर, बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, तीन सर्वोच्च ध्येय यहाँ पर पूछा जाता है, कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है, तो तीन विशेषण प्रयुक्त हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 161 नंबर है, देखिए, सीता एक पतिव्रता स्त्री है, रेखांकित शब्द का विलोम चयन बताइए, जो पतिव्रता है इसका विलोम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 161 का सही उत्तर सभी लोग देंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 161 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है दोस्तों, उल्टा, ठीक है, उल्टा। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 162 से, देखिए, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ठीक है, तो अत्यधिकता, अत्यधिक का शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पहचानना है आपको। क्वेश्चन नंबर 162 का राइट आंसर दें आप लोग, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 162 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक बिल्कुल सही शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 163 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, कौन सा समास नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 163 का राइट आंसर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 163 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, कर्म कारक ये कोई समास नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 164 है, देखिए, आत्म उत्सर्ग क्या शब्द है, आत्म उत्सर्ग, ठीक है, का संधि विच्छेद बताना है आपको, ठीक है, 164 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 164 का सही उत्तर दें फटाफट, क्वेश्चन नंबर 164 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, आत्म धन उत्सर्ग, ठीक है, यही इसका सही संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न आपके सामने 165 नंबर, निम्न में से कौन कोई एक युग्म समोच्चारित नहीं, चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 165 का जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है, ठीक है, करकट कचरा। अगला प्रश्न आपका सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 166 है, देखिए, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, पत्र लेखन से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप लोगों को पत्र लेखन का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को थम्सअप कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहिए कि सर हमें पत्र लेखन का भी वीडियो प्रोवाइड किए, तो आपको बहुत जल्द इंपॉर्टेंट एक डेडिकेटेड पत्र लेखन पे वीडियो मिल जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पत्र लेखन से, ठीक है। तो 166 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और व बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 167 है, देखिए, आदिकाल कब से कब तक रहा, क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर दें, आदिकाल कब से कब तक रहा, 167 का सभी लोग उत्तर देंगे, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 167 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर से दोस्तों, 743 से 1343 तक। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 168 है, देखिए, 13वीं सती से गद्य की कैसी परंपरा रही है, 168 का राइट आंसर दें, 13वीं सती से गद्य की कैसी परंपरा रही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 168 का सही उत्तर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 168 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ए व बी दोनों, अविच्छिनी और विशाल। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित वाक्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग सभी लोग उत्तर दें। देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, पोएट्री इज द हेल्थ एंड फाइनल स्प्रिट ऑफ ऑल नॉलेज, इसका हिंदी अनुवाद आपका पूछा जा रहा है, 169 का सही उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 169 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर से दोस्तों, कविता समस्त ज्ञान का अंतिम जीवन तत्व एवं स्वास्थ्य है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 170,
ला उच्चारित होता है, ला कहाँ से उच्चारित होता है बताना है। क्वेश्चन नंबर 170 का राइट आंसर। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। 200 लाइक का एम रखा है, बहुत कम एम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सभी का सपोर्ट रहा तो इससे भी ज़्यादा होगा दोस्तों, ठीक है। तो सभी लोग 200 लाइक करें। कल से आपको GK, ठीक है, GK के साथ साथ आपको GS सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है, और हिंदी भी मिलेगी साथ साथ। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, सारे प्रैक्टिस और यहाँ से मिलेंगे आपको, ठीक है। 170 का बी ऑप्शन से तालब से ला का उच्चारण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 171 ये रहा, स्वरों के वर्गीकरण का आधार है, स्वरों के वर्गीकरण का आधार क्या है। 171 का राइट आंसर जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 171 का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है दोस्तों, स्थान। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 172, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया, 172 का राइट आंसर दें। विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है, एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। 172 का राइट आंसर दें आप लोग जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 172 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही है दोस्तों, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 173 देखिए, खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ है। 173 का राइट आंसर दें सभी लोग, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 173 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है दोस्तों, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 174, नीचे दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए। 174 का राइट आंसर का सही उत्तर दें आप सभी लोग, रिक्त स्थान पूछा है। देखिए, जिन विश्वविद्यालयों में हिंदी एक ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है वहां इसे डैस विषय के रूप में पढ़ाया जाए। 174 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है दोस्तों, यहां पर अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न प्रैक्टिस सेट का, आप सभी को पता है कि सिर्फ 25 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके लोअर पीसीएस प्री एग्जाम में हिंदी के, तो यहां पर 25 प्रश्न दिए गए थे, 150 से 175 तक, ठीक है। दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। 175 का सभी लोग उत्तर देंगे, साथ ही साथ आप लोग बताएंगे कि मैंने जो 22 क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन यहां पर स्किप कर दिए थे गद्यांश के, उसमें से आपका कितना क्वेश्चन आपका सही गया, ठीक है। अपना रिपोर्ट कार्ड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पत्र लेखन का वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कहिएगा आपको कमेंट बॉक्स में, और क्या आप कंटिन्यूअसली चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा दोस्तों। 200 लाइक का एम जरूर पूरा कीजिएगा। जो मैंने नोट्स रेकमेंड किया है दोस्तों, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, बहुत कंपलसरी नोट है, बहुत ही आवश्यक नोट है, 35 रुपीज़ के लिए बिल्कुल ना सोचे दोस्तों, बहुत मददगार साबित होने वाली है, उसको जरूर खरीदें। इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों खरीद लें, क्योंकि उसमें बाइलैंग्वल क्वेश्चन सारे डालेंगे, सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। तो जाइए जल्दी से परचेज कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, पहला सेशन है, आप सपोर्ट कीजिए इसको। कल से आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल हिंदी सभी का प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं हमारे चैनल पे, शेड्यूल वाइज, टाइम टू टाइम, डे टू डे, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बताइए कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ, अभी किसी चैनल वाले ने यूटो सीरीज का नहीं स्टार्ट किया है। 175 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आश्चर्य करना। तो आई होप आप लोगों ने 22 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए होंगे, जिनका 20 क्वेश्चन लगभग सही गया होगा, बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है दोस्तों। खैर देखते हैं रिपोर्ट कार्ड कल आ जाएगा सभी लोगों का धीरे धीरे कितना सही गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।